नृसिंहनाथ मंदिर जो आप मेरे पीछे में देख रहे हैं, ये इसका इतिहास बहुत व्यापक है। और क्योंकि यही मंदिर के इतिहास में जानने के लिए एक शिलालेख है, वहाँ शिलालेख के व्यतीत कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक तौर से हम इसका अगर विश्लेषण करेंगे तो जान पाएंगे कि यही मंदिर 7वीं शताब्दी में हुआ था, निर्मित हुआ था, और इसके पीछे बहुत ऐतिहासिक तथ्य भी है। तो जो मानते हैं, माना जाता है गवेषणा से, कि यहाँ सिरपुर जो राज्य था, सिरपुर हमारे जो कोसल राज्य था, इनके एक रानी थे, रानी वासुदा देवी, वही ये मंदिर को 7वीं शताब्दी में निर्मित किए थे। इससे यही सबूत होता है कि हमारे जो मंदिर है ये बहुत पुरानी है, और यहाँ जो बासठा देवी, रानी बासठा देवी, कुछ जमीन यहीं के पूजक लोगों को जो दान सूत्र में दिए थे उनके पूजा कार्य के लिए, और वहीं से जो अनाज उपजा था वही हमारे नृसिंह महाप्रभु के भोग में जो है दिया जाता था, और उनके जो पूजक थे उनके परिपोषण के लिए भी यही व्यवहृत होता था। रानी बासुदा देवी जो भोग व्यवस्था किए थे वो हरिहर पंगत के नाम में जाना जाता है। जब भी ही दिन प्रभु नृसिंहनाथ के मंदिर में भोग चढ़ाया जाता है, और वही प्रसाद को जो भक्तों में बांटा जाता है उनके मंदिर परिसर में, और यहाँ जो हरिहर पंगत में एक श्लोक उच्चारण किया जाता है, और वही श्लोक में आप छत्तीसगढ़ी, हिंदी और संबलपुरी दोनों तीनों भाषा के मिश्रण में वही जो हरिहर पंगत का जो मंत्र उच्चारण होता है वही है, और हरिहर पंगत के जो मंत्र उच्चारण के बाद भक्त वो प्रसाद सेवन करते हैं। नृसिंहनाथ मंदिर के जो इतिहास है इसके लिए हम श्रेय देते हैं जॉन लेकी को, जो 14वीं सेंचुरी में यहाँ आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश वो नृसिंहनाथ के जो साइट है वहाँ नहीं आ पाए, लेकिन वो छत्तीसगढ़ से होके डोंगरगढ़ होके यहीं से वो पास किए थे इसके नज़दीक से, तो उनके ऐतिहासिक डिस्क्रिप्शन में भी वर्णना में भी नृसिंहनाथ का वर्णना है। उसके बाद अष्टादश शताब्दी में जेडी बेगलर आए, और बेगलर साहब जो मंदिर के अंदर के जाने के लिए कोशिश किए, लेकिन क्योंकि वो क्रिश्चियन थे उनको मंदिर के अंदर को जाने के लिए मौका नहीं मिला, और जेडी बेगलर साहब ने बाहर से होके यही मंदिर का जितना विश्लेषण किए हैं वो भी बोले हैं कि यही खजुराहो टेंपल स्टाइल के हैं, और इसका मुख्य मंदिर जो है वो भगना हो गया, और उसमें जो है जो लेटर एडिशन है बाद में जो जुड़ा गया है इसमें प्लास्टरिंग कर दिया गया है। तो ये मंदिर के अंदर आप जाएंगे तो जो फोर पिलर्स है वही इसका सूचना देता है कि वही भी एक मुख्य मंदिर था, कोणार्क मंदिर जैसे बाद में टूट गया और वो पहले भाग रह गया, ऐसे नृसिंहनाथ मंदिर में भी जो दो नंबर भाग था वही विमान के बाद जो था गर्भगृह के बाद जो विमान था वो टूट गया है, और जेडी बेगलर साहब के अनुसार यही इसका निर्माता जो राजा थे उसके लिए बहुत छानबीन जरूरी है। अभी हम नृसिंहनाथ मंदिर के दक्षिण दिशा में हैं,
और आप देख सकते हैं वो जो मुख्य मंदिर है, विमान है और उसके बाद जगमोहन है। ये विमान जो है केवल पत्थरों से बना गया है, जिसके अंदर नृसिंह महापुरुष के स्थान है और इसके सामने जो जगमोहन है वही रूप स्ट्रक्चर है और इसमें काफ़ी सारा चूना का प्रलेप दिया गया है, इसलिए इसका जो कारुकार्य है वो दिखाई नहीं देता। मंदिर के यही दक्षिण द्वार में एक शिलालेख है जो आप देख सकते हैं। यही शिलालेख लगभग 4 फुट के हैं और इसका चौड़ाई जो है लगभग 0.5 फुट होगा और यही शिलालेख जो है भरपूर ऐतिहासिक उपादान बहन करता है। इसके ये शिलालेख के अनुसार राजा बैजल देव जो पटना वंश के चौहान राजा थे, ये 14वीं शताब्दी में यही निर्मित किए थे। लेकिन हमारे जो गवेषणा से ज्ञान प्राप्त होता है कि यही जो है दूसरा स्ट्रक्चर जगमोहन, यही केवल इसका पुनर्निर्माण राजा बैजल देव के द्वारा किया गया था। लेकिन यही जो है जगमोहन दूसरा स्ट्रक्चर, ये जेडी बेगलार के अनुसार यही एक जगमोहन बड़ा सा बना हुआ था, वो बाद में ध्वंस होके पड़ा था। तो राजा बैजल देव ने जब ये बनाए तो इसका पुनर्निर्माण किए। मुख्य मंदिर जो है आप देख सकते हैं बहुत कारुकार्य हुआ है और इसके दीवार में बहुत सूक्ष्म मूर्तियां भी हैं और चारों ओर आप जब गुजरेंगे तो बहुत सारे मूर्तियां आप देख पाएंगे। और आप जैसे कि देख सकते हैं यही मंदिर जो है पत्थर के जो काट करके मेन स्ट्रक्चर को बनाया गया है, तो यही सबूत देता है कि यहाँ की जो आर्किटेक्चर है ये हटके है और यहाँ अपने प्रयोग जो थे कारीगर वो अपने कला प्रदर्शन यहाँ भरपूर मात्रा में किए थे। और यही जो 7th सेंचुरी के मंदिर है, यही काफ़ी सारा उपादान है, इसमें ऐतिहासिक उपादान है और इसके ऊपर बहुत गवेषणा हुआ है और भी बहुत गवेषणा की उपेक्षा रखता है। मंदिर के दक्षिण दिग में पूरा सटा के जो झरना है गंधमार्दन का वही बहता है और मंदिर परिसर के 20 मीटर दूरी में यही जो है नृसिंहनाथ का जो जलप्रपात है चालधार वही अवस्थित है।